शक्तियाँ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश भर में मिशन साहसी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि मुंबई से प्रारंभ होकर और 30 अक्टूबर को पूरे देश भर में एक साथ पूरे देश भर में मिशन साहसी का कार्यक्रम का छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और जिस प्रकार से समाज में जो छात्राओं के प्रति जो कुरीतियाँ हो रही है उस कुरीतियों से हमारी छात्राएं किस प्रकार से लड़े, उसको किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दे, ऐसे विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे देश भर में छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन साहसी का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। जो जिस नियमित आज हजारीबाग के आनंदा महाविद्यालय के इस ग्राउंड में भी हजारीबाग जिले में तकरीबन 5,000 छात्राओं को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मिशन साहसी का प्रोग्राम का आयोजन आज विद्यार्थी परिषद द्वारा हजारीबाग में किया गया है। यह है निर्भय होने का प्रतीक, मिशन साहसी का उद्घोष। जो सत्य की शक्तियां हैं वे जागृत हो उठे, इसलिए किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत से पहले मंत्रोच्चार किया जाता है। रोशन सिंह जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अंधेरे के नाश का, अंधेरे का विनाश का, और ठीक इसी तरह से आप प्रकाशित होते रहे हैं। माननीय अमित जी से आग्रह है कि वे आए और मौके देकर के विधानसभा अध्यक्ष रिदेश यादव से आग्रह है करें। नीरज परिहार जी से अध्यक्ष का स्वागत करें। नाम से ही है कि यह दहाड़ है साहसी, यह अध्याय है साहसी। अब निर्भया, अब अतिथियों के स्वागत के लिए मैं माननीय परिषद की ओर से आयोजित मिशन डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी, जो निदेशक हैं चाणक्य एकेडमी के, संगठन मंत्री, अन्य गण्यमान्य महानुभाव, मिशन साहसी। इन चीजों की अपना टाइम का आप ख्याल रखें। यह मिशन मुंबई से चलकर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अपने झारखंड राज्य में भी इसका आगमन हुआ, आगाज हुआ, और जिस तरह से परसों अपने विभिन्न झारखंड के विभिन्न शहरों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ
प्रारंभ किया गया, जिस तरह से 10 घंटों का जो प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने बहने जो हैं अपने ऊपर होने वाले समाज के कुरीति के साथ साथ अपने आत्मरक्षा के निमित्त जो प्रशिक्षण का बीड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उठाया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह काफ़ी समाज को एक आगे की ओर ले जाने का एक सफल प्रयास है। मैं तो मानता हूँ।